Illustration number 16. The books of Mr. Sarwar on 1st January 2016 disclose the following position. अच्छा ये साल के स्टार्ट की पोजीशन है, एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल भी आपको गिवन है. ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर 2016 द बुक्स वर वेरी इम्परफेक्टली कैप्ट बट एन एनालिसिस ऑफ द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिवील्ड द फॉलोइंग. अच्छा जी, बुक्स जो है वो इतनी जो है ना वो एक्यूरेटली जो है वो मेंटेन नहीं की. ठीक है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस किया. ये देखें, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं. ठीक है, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, ये कैश रिसीव किया है आपने डेटर से. ठीक है, तो ये जाएगा डेटर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में. ठीक है, ड्राइंग फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस कैपिटल में से क्या होंगी, ये माइनस होंगे. ठीक है, सैलरीज ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे. पेमेंट टू क्रेडिटर ये जाएगा क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड पे. फिर पेमेंट फॉर रेंट ये जाएगा पीएनएल की डेबिट साइड पे. मिसलेनियस एक्सपेंसेस पीएनएल की डेबिट साइड पे. उसके बाद द शेड्यूल्स ऑन 31st दिसंबर 2016 ऑफ द डेटर्स टोटल ₹9500. ये क्लोजिंग डेटर है आपके पास. ठीक है, एंड ऑफ क्रेडिटर्स ₹6400. ये आपको क्लोजिंग डेटर और क्रेडिटर दिए साल के एंड पे जो होते हैं. ठीक है, नो इन्वेंटरी ऑफ द स्टॉक ऑन 31st दिसंबर 2016, क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है. ठीक है, अब आपने निकालना कैसे है, वाज टेकन. ठीक है, कोई स्टॉक नहीं बचा, बट इट वाज स्टेटेड दैट अ ग्रॉस प्रॉफिट एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 40% ऑन टर्नओवर वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर. अब आपने इसमें जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, आपने सेल का कितना लेना है, 40%. सेल का आप 40% लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर फिर हम निकाल देंगे. ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टर्नओवर का मतलब सेल्स. सेल का आपने कितना लेना है, 40%. सेल का 40% लेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट. प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर 2016. अगेन वही रिक्वायरमेंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्रेडिटर और डेटर का अकाउंट बनाएंगे. ठीक है, ताकि हमें क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की वैल्यू मिल सके. ठीक है, तो देखिए आप लोग बोर्ड पे, सबसे पहले हम बनाते हैं टोटल डेटर अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस साल के स्टार्ट का बैलेंस ब्रोडाउन कितना की बना जी, 9000. ठीक है, उसके बाद आपने कैश रिसीव कितना किया कस्टमर से, 35000. देन उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 9500. ठीक हो गया, 35,000, 9500, 9000. अब आप इसका टोटल करिए. ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये कितनी बन जाएगी, 44,500. माइनस करें आप डेबिट साइड को तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्रेडिट से बैलेंसिंग फिगर कितनी है जी, 35,500. ठीक हो गया, अब आप बनाए टोटल क्रेडिटर का अकाउंट. ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना आपके पास, 7,500. ठीक है, कैश आपने पे कितना किया, 22,000. उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी इसका, बैलेंस कैरी डाउन साल के एंड का, 6,400. टोटल करें इसका तो आपके पास क्या निकल आएगा कि क्रेडिट परचेज
बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। टोटल करें आप इसका, ये बन जाएगा जी आपके पास 28,400 माइनस करें इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी करंट पोजीशन 20,900। अब हमारे पास टोटल क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स निकल आई है। अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे पहले हम लोग बना लेते हैं, चलिए पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे स्टॉक ओपनिंग, कितना है ओपनिंग स्टॉक 4,000, देन उसके बाद आएगी जी हमारे पास परचेजेस, तो परचेजेस हमारे पास सिर्फ क्रेडिट ही है, ठीक है, कैश गिवन नहीं है और परचेज डन भी नहीं है, तो लिख दें परचेजेस को, कितनी है जी परचेजेस 20,900 अभी हमने निकाली है, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेल्स क्रेडिट कितनी है, जो अभी हमने निकाली है सेल्स की अमाउंट कितनी है जी 35,500, ठीक है। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिस है, कैसे निकलेगी अभी बता देते हैं आपको, बहुत सिंपल है, ठीक है। करना क्या है, आपने आपके पास सेल की वैल्यू दी हुई है 35,500 आपने निकाली है, तो क्लोजिंग स्टॉक सेल का ग्रॉस प्रॉफिट था सेल का 40%, यानी कि सेल का आप 40% लें तो आपका क्या निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये कैसे निकलेगा आपका 35,500 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, टर्नओवर का 40%, यानी कि आपने सेल का कितना लेना है 40%, सेल का 40% लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है जी 14,200। अब आप इन तीनों को ऐड करें, ठीक है, कितनी बन जाएगी 39,100, 39,100 क्रेडिट साइड को माइनस करें सेल्स को, तो क्या निकलेगा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 3,600, ठीक हो गया। अब हम बनाते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रेक डाउन कितना है जी 14,200, ठीक हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगी जी सर्विस 3,000, रेंट कितना है 1,500, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हैं 400, ठीक है। बस टोटल करें क्रेडिट साइड का, इसके पीएनएल की क्रेडिट साइड का टोटल करें, डेबिट साइड को माइनस करें, तो हमारे पास क्या निकल आएगा जी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एनपी मतलब एंड ऑफ पी नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना निकल आया जी आपके पास 9,300। अब हम बनाते हैं जी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने से पहले साल के एंड की हमारे पास कैश का बैलेंस नहीं है लेकिन कैश की ट्रांजेक्शन है, तो हम कैश बुक बनाते हैं ताकि हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकल आए, ठीक है। तो कैश बुक में यहाँ पे नीचे बना, कैश बुक की डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड, तो सबसे पहले आप देखें, ठीक है, बैलेंस बीडी करें, हमारे पास साल के स्टार्ट का बैलेंस जो है वो गिवन है, ठीक है, कितना बैलेंस बीडी 500, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन है, हमने कस्टमर से जो है वो रिसीव किया कितना 35,000, कैश डेबिट में अगेंस्ट क्या है रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कितनी अमाउंट है जी 35,000,
ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स आपने पे की हैं कैश क्रेडिट में या अगेंस्ट के ड्राइंग्स, कितने ड्राइंग्स हैं 6000। फिर आपने सर्विस पे की है वो भी कैश में पे की है, सर्विस टू कैश कितनी अमाउंट है 3000। उसके बाद है जी रेंट, ठीक है रेंट आपने कैश में पे किया कितना है जी 1500। उसके बाद है जी पेमेंट आपने किया क्रेडिटर्स को, क्रेडिट्स को जो आपने पेमेंट किया कैश में वो कितनी है जी 22000, ठीक है। उसके बाद है हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितने हैं जी मिसलेनियस एक्सपेंसेस 400। कंप्लीट हो गया जी हमारे पास 35500 बैलेंस। हमारे पास कितना निकल आएगा जी, टैक्स साइड को माइनस करें तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारे पास कितना जी 26000। कैश का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं था लेकिन ट्रांजैक्शंस थी हमारे पास, तो कैश डेबिट और क्रेडिट हमने रिकॉर्ड कर लिए कैश बुक में। कैश बुक के आपको पता है लेजर कितना ही इसमें एंट्रीज होती है, रिसीव किया डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, पे किया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन अगेंस्ट अकाउंट जैसे लेजर अकाउंट में लिखते हैं। ठीक हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया 6322 1500 400 26000। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट लास्ट साल के एंड, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा जी, ये जो हमने कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकाला है साल के एंड का, कैश हमने कितना निकाला जी 26000। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी सन्डरी डेटर्स, कितने हैं जी सन्डरी डेटर्स हमारे पास 9500। ये 2600 है, 26000 लिख दिया मैंने, ठीक है। सो कनेक्ट करें कैश एंड बैंक निकाला हमने, ये है 2600, इसको ठीक कर लेंगे, 26000 नहीं है 2600 वाले बैलेंस निकाला, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास स्टॉक्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, ठीक है। ये जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी 3600, उसके बाद ये फर्नीचर लास्ट हमारे पास साल के स्टार्ट में भी और साल के एंड में भी यही है, ठीक है। कितना है जी 2000। उसके बाद आ जाइए लायबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स कितने हैं जी 6400। उसके बाद है जी कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट कितनी है जी 8000। ओपनिंग कैपिटल 8000 है, गिवन है, ऐड करना आपने इसमें क्या नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐड करें कितना 9300, ठीक है। कितना जी 17300, लेस करनी है आपने ड्राइंग, कितनी अमाउंट है जी 6000, कितनी अमाउंट आ गई जी 11300, ठीक हो गया। टोटल करें आप डेबिट एसेट साइड का लायबिलिटी साइड का एसेट साइड, एसेट साइड का टोटल क्या आएगा जी 17700, लायबिलिटी साइड का भी इतना ही आएगा 17700, इसको आप नोट करें, ठीक है। टोटल डेटर क्रेडिट अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो।